सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई चैनल। माई नेम इज अर्ष अग्रवाल और आज अपन बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ टोन एंड पोस्चर में। सो गाइज, मतलब पहले तो सबसे पहले सॉरी कि मैं अपनी वीडियो काफ़ी लेट ला रहा हूँ इस बार, पर अगली बार से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगली बार से फिक्स शाम को 4 बजे वीडियो आ ही जाएगी, ठीक है ना। और बहुत ही आज इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बात करेंगे, रेगुलेशन ऑफ टोन एंड पोस्चर। और इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, डी सेरिब्रेट रिजिडिटी। इससे रिलेटेड हर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, यूनिवर्सिटी में ले लो, वाइवा में ले लो, ठीक है ना। और ये अगला क्वेश्चन पूछता है, डिसेरिब्रेट रिजिडिटी इज अ रिलीज फेनोमेनन। और एक क्वेश्चन है इंटरकॉलिकर और इस्टेमिक डिसेरिब्रेशन, दो तरह के डिसेरिब्रेशन होते हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, तो बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप लोग नए हो इस चैनल पे, तो आपको एक बात बता दूं कि आज मतलब ये चैनल फिजियोलॉजी के वीडियोस लाता है फर्स्ट ईयर की, बहुत ही कम टाइम में बेस्ट से बेस्ट कंसेप्ट देने के लिए, ठीक है। क्योंकि अपन को मालूम है MBBS है, काफ़ी लंबी है, मजे भी करने हैं, तो कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज स्टार्ट करते हैं। सॉरी गाइस, थोड़ा सा मेरे छाले हो रहे मुँह पे, तो थोड़ा सा बोलने में दिक्कत आए, तो उस चीज़ को इग्नोर करना, अगली बार सही रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्योंकि ये रेगुलेशन ऑफ टोन एंड पोस्चर है, इसका मतलब कि अपन देखेंगे जो बॉडी का सपोर्ट है ना, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट किस तरीके से काम करता है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो एक्चुअली 3 न्यूक्लियाई हेल्प करते हैं इसको करने में। कौन कौन से? एक तो रेटिकुलर न्यूक्लियाई, मतलब यहां से सिग्नल्स जाते हैं एंटी ग्रेविटी मसल्स को टू बी अगेंस्ट द ग्रेविटी, मतलब मसल्स को मतलब टॉनिसिटी मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। और दूसरा है वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई। अब ये जो रेटिकुलर न्यूक्लियाई है, ये भी दो तरह के है, मतलब दो अलग अलग जगह पे, इसलिए दो तरह का मान लिया गया है इसे, पॉन्टाइन रेटिकुलर न्यूक्लियाई और एक है मेडुलरी रेटिकुलर न्यूक्लियाई, ठीक है। वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई तभी देखते हैं। अब एक्चुअली इन सब के फंक्शंस क्या क्या है, ये जो पॉन्टाइन रेटिकुलर न्यूक्लियाई है, ठीक है ना, ये क्या करता है, एक्साइट करता है एंटी ग्रेविटी मसल्स को कि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाके खड़ी रहे हुए, आया समझ में, एक्साइट एंटी ग्रेविटी मसल। और ये मेडुलरी रेटिकुलर न्यूक्लिया ये क्या करता है, रिलैक्सिंग द सेम मसल, उन्हीं मसल को रिलैक्स करता है, ठीक है। और जो वेस्टिबुलर न्यूक्लिया ये भी क्या करता है, एक्साइट ही करता है, इसका मतलब जो वो है क्या चीज है, जो पॉन्टाइन रेटिकुलर न्यूक्लिया है और जो वेस्टिबुलर न्यूक्लिया है, वो एक दूसरे के मतलब एक सपोर्ट में काम करते हैं, सिनर्जिस्टिकली काम करते हैं ये और ये, आया समझ में, ठीक है। तो मतलब जो स्पेसिफिक रोल है वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई का, वो क्या है, कंट्रोल करना एक्साइटेटरी सिग्नल्स को जो एंटी ग्रेविटी मसल्स को जा रहे हैं, ठीक है ना। और ये रिस्पांस, अब जैसे नाम से पता पड़ा वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई, तो रिस्पॉन्स कहाँ से लिखती है, वेस्टिबुलर अपैरेटस से, और उससे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो फीडबैक मिलता है, उसके अकॉर्डिंग ये रोल प्ले करती है, ठीक है, आया समझ में। अब देखते हैं अगला अगला टॉपिक क्या है, जो कि डी डी सेरिब्रेट एनिमल डेवलप्स स्पेस्टिक रिजिडिटी, ठीक है। पहले तो देखते हैं डी सेरिब्रेट एनिमल क्या है, कैसे, नाम से ही पता पड़ रहा है, डी सेरिब्रेट मतलब जिसका सेरिब्रम हटा दिया गया हो, ठीक है ना। अभी हटाएंगे कैसे, चलो मान लो मैं क्या किया, मैंने नहीं किया, हालांकि किसी साइंटिस्ट ने किया है, क्या कि एक कैट लेके आए, ठीक है ना, कैट लाया, कैट अब कैसी है, ऐसे ऐसे बना देते कैट को, ठीक है, ठीक है ना, ये कैट लाया, दो पैर उसके पीछे है, ठीक है ना, मान लेना, ठीक है। तो ये वो कैट लेके आया, अब उसने कैट को काटा, कहां से, डी सेलिब्रेशन करने के अकॉर्डिंग इसने यहां से कट लगाया, चक्कू है, ठीक है, चक्कू से काट दिया। तो ये इसने किसके बीच में कट लगाया, ऊपर तो था सुपीरियर कॉलिकुलाई जो कि अब नहीं रहेगा, नीचे क्या था, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई,
आया सुन में। तो इस तरह की जो कट लगाने को कहते हैं शेरिंगटन मॉडल ऑफ डी सेरिब्रेशन, ठीक है, इसे कहते हैं शेरिंगटन मॉडल ऑफ डी सेरिब्रेशन। अब इस मॉडल के क्या क्या मतलब फीचर्स है, मतलब क्या होता है इससे, जो अपन ने तीन न्यूक्लियाई की बात करी, किसकी, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई, पॉन्टाइन रेटिकुलर न्यूक्लियाई, मेडलरी रेटिकुलर न्यूक्लियाई, ये तीनों ही न्यूक्लियाई इंटैक्ट रहते हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से अब अपन देख पा रहे हैं कि सेरिब्रम का रोल हटा के अपने एनिमल पे एक इंसान पे क्या फर्क पड़ता है, समझे, ये इसका मेन पर्पज है, ठीक है। तो क्या क्या देखने को मिला, जैसे ही अपन ने डिसेरिब्रेशन किया जिस शेरिंगटन मॉडल से, तो एक चीज तो देखने को मिली कि इस बिल्ली के नेक खड़ी हो गई, एक्सटेंडेड नेक, ठीक है। और दूसरा क्या देखने को मिला, ये जो बिल्ली थी इसके पैर भी टाइट हो गए, मतलब तुम समझ रहे हो इसका मतलब, ग्रेविटी के अगेंस्ट आ गए एक्सटेंडेड लिम्ब्स, ठीक है। और तीसरा तो ऐसी नॉर्मल क्या आया, वो नॉर्मल नहीं है मतलब मेन है, राइटिंग रिफ्लेक्स, ध्यान से देखिए क्या होता है राइटिंग रिफ्लेक्स, मतलब अगर अपन एक एनिमल को गिरा रहे, ठीक है ना, एक साइड गिरा रहे तो वो उठ नहीं पा रहा, तो ये फीचर भी देखने को मिला जब इसका डिसेरिब्रेशन किया गया शेरिंगटन मॉडल से, ठीक है। अब ये जो कहाँ गया, हाँ, ये जो एक्सटेंडेड नेक एक्सटेंडेड लिम्ब, इससे ही कहते हैं डिसेरिब्रेट रिजिडिटी, मतलब सेरिब्रम हटाने के बाद की ये जो रिजिडिटी आई है एक्सटेंशन की, इसे कहते हैं डिसेरिब्रेशन रिजिडिटी। और ये डिसेरिब्रेशन रिजिडिटी का एक की फीचर है, मतलब की फीचर नहीं, मतलब इस शेरिंगटन मॉडल का ये की फीचर है डिसेरिब्रेट रिजिडिटी। और एक और जब चीज साइंटिस्ट ने देखी क्या, जब उसने क्या किया, डिफरेंशिएशन, डिफरेंट मतलब जो चीज फीडबैक लाती है, अफरेंट लाते ना अफरेंट नर्व्स, उनको जब हटाया, डिफरेंशिएशन मतलब कैसे हटाया, डॉर्सल जो रूट होती है स्पाइनल कॉर्ड की, उसको काटा, वो जब किया तो क्या हुआ, उसको देखने को मिला कि रिजिडिटी है वो डिसअपियर हो गई, रिजिडिटी डिसअपियर्ड। तो अब ऐसा क्या हुआ, तो देखो हुआ क्या, ये बहुत पॉइंट याद रखना है, क्यों, क्योंकि वो रिजिडिटी इसलिए हुई क्योंकि इट इज एज इट इज कॉज्ड बाय, ये मैं लिख रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बाय हाइपर एक्टिव स्ट्रेच रिफ्लेक्स। अगर आपने स्ट्रेच रिफ्लेक्स वाला मेरा वीडियो नहीं देखा तो देख लेना, मसल स्पिंडल गॉल्जी टंडन ऑर्गन वाला, उसके अंदर इसके बारे में बहुत अच्छे से समझाया, इसका आई बटन में लिंक दे दूंगा। पर शॉर्टली एक बात बताऊं इसके बारे में, अगर ब्रीफली बताऊं कि हाइपर एक्टिव स्ट्रेच रिफ्लेक्स मतलब स्ट्रेचिंग जो रिफ्लेक्स आ रहा है वो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो गया, किसमें, एंटी ग्रेविटी मसल्स में, इसके लिए तो रिजिडिटी आई थी और जैसे ही अपन ने उसको काटा तो हट गई, ठीक है ना। और ये जो हाइपर एक्टिविटी, अब तुम बोलोगे हाइपर एक्टिविटी कैसे आ गई, दिस हाइपर एक्टिविटी, ये लाइन लिख लेना कहीं ना कहीं, वॉज कॉज्ड बाय इंक्रीज स्टिमुलेशन ऑफ गामा मोटर न्यूरॉन, मतलब जो गामा मोटर न्यूरॉन है उनको बहुत ज्यादा स्टिमुलेशन मिला, ठीक है ना, बाय फैसिलिटेटरी एरियाज एरियाज बाय फैसिलिटेटरी एरियाज ऑफ रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन स्टेम, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जो जो रेटिकुलर एरिया थे वो इंटैक्ट थे, सेरिब्रम हट गया था तो वहां से अब खुद ही वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने लग गए और ज्यादा से ज्यादा मतलब स्टिमुलेट किया गामा मोटर न्यूरॉन को, जिसकी वजह से हाइपर एक्टिविटी रही, मतलब क्या कहते हैं रिजिडिटी रही, और जैसे अपने डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को काटा तो ये सब हट गया। आया कि नहीं समझ में, नहीं आया हो तो फिर एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं वहां भी आपको समझा दूंगा, ठीक है। अब अपन जब मैन में ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है ना, इन मैन, जब मैन में ये एक्सपेरिमेंट किया तो ये जैसे मान लो अगर मैन के अंदर मिड ब्रेन में कोई लीजेंस हो जाते कहीं, तो सेम की सेम पिक्चर देखने को मिली, मतलब वही रिजिडिटी वही चीज देखने को मिली। जैसे मैं आपको एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करूंगा, ये देखो इसकी नेक क्या है एक्सटेंडेड, ठीक है ना, इसके हाथ
हाथ भी कैसे हो गए, एक्सटेंडेड लिम्स हो गए। ठीक है, समझ में आ रहे? और इंसान अपने टोज पे खड़ा है और उसके टोज जो है वो पॉइंट कर रहे इनवर्ड। उसके बाल हो गए, ठीक है ना, आया समझ में? अब कैसे, देखो जैसे एक तो क्या है, नेक एंड हेड क्या है, एक्सटेंडेड। ठीक है, दूसरा क्या है, ये जो अपर एक्सट्रीमिटीज है, अपर मतलब ये अपर लिम्ब वाली चीज है, अपर एक्सट्रीमिटीज। ठीक है ना, इसमें क्या है, मतलब एक्सटेंडेड फिंगर्स। मैंने आपको बताया ना, वो बिल्ली वाली में भी आपने देखा होगा, एक्सटेंडेड फिंगर्स, फ्लेक्स्ड, मतलब वो अंदर ही अंदर मुड़ी हुई भी है, देख रहे हो ना? यस, ठीक है ना, एक्सटेंडेड फिंगर्स, फ्लेक्स्ड एंड फोर आर्म प्रोनेटेड, अगर अपन ह्यूमंस में डिसेरिब्रेशन करते हैं तो। और ये जो लोअर एक्सट्रीमिटीज है, ठीक है, ये क्या है, एक्सटेंडेड विथ टोज पॉइंटेड इनवर्ड। आया समझ में? तो ये था बेसिकली ह्यूमंस के बारे में। और अब अपन अगला क्या देखने वाले थे, कि ये जो डिसेरिब्रेट है वो रिलीज फिनोमेनन है। रिलीज फिनोमेनन मतलब किसी पे जब फीडबैक नहीं रहता ना, तो खुद ही ऑटोमेटिकली एक्शन पोटेंशियल बनाता रहता है, तो इसे कहते हैं रिलीज फिनोमेनन। ठीक है, अभी कैसे है इसके कुछ प्रूफ। ठीक है, कैसे, एक तो अभी अपन ने देखा ही गामा मोटर न्यूरॉन के बारे में, क्या रिलीज ऑफ स्पाइनल गामा मोटर न्यूरॉन फ्रॉम एन इनहिबिटरी, रिलीज मतलब उससे आजाद हो जाना। मतलब पहले क्या होता था कि जो एक्स्ट्रा पिरामिडल था, वो भी मैंने कॉर्टिकल स्पाइनल ट्रैक्ट में समझा रखा है उसकी वीडियो में, जो एक्स्ट्रा पिरामिडल डिस्चार्ज था उसकी वजह से वो इतना ज्यादा स्टिमुलेट नहीं होता था गामा मोटर न्यूरॉन, पर अब वो हट गया क्योंकि डिसेरिब्रेशन कर दिया था, तो इस वजह से अब वो ज्यादा होने लग गया, तो अब वो ज्यादा स्टिमुलेट होता था, रिजिडिटी आ जाती है। तो क्या हुआ, जब एक्स्ट्रा पिरामिडल हट गया, एक्स्ट्रा पिरामिडल डिस्चार्ज फ्रॉम, क्या लिखा, रिलीज ऑफ स्पाइनल गामा मोटर न्यूरॉन फ्रॉम एन इनहिबिटरी एक्स्ट्रा पिरामिडल डिस्चार्ज, एक्स्ट्रा पिरामिडल डिस्चार्ज हटने के बाद अब वो रिलीज हो गया, कौन, स्पाइनल गामा मोटर न्यूरॉन। अगला क्या, फैसिलिटेटरी डिस्चार्ज बन गया, कहां पे, बताया ना, रेटिकुलर एरिया में फैसिलिटेटरी, अब वो खुद ही बना रहा है डिस्चार्ज फ्रॉम डिसेंडिंग फैसिलिटेटरी रेटिकुलर प्रोजेक्शन, गामा मोटर न्यूरॉन, वही बात है, रेटिकुलर फॉर्मेशन वाले एरियाज में फैसिलिटेटरी रीजंस बन गए जो गामा मोटर न्यूरॉन को स्टिमुलेट कर रहा है। अब अपन लास्ट टॉपिक देखेंगे, डिफरेंस किसके बीच में, इंटरकॉलिकुलर और इस्टेमिक डिसेरिब्रेशन। अब इसका फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, सब देखते हैं। तो यहां तो मैं बनाऊंगा इंटरकॉलिकुलर डिसेरिब्रेशन, और यहां अपन देखेंगे इस्टेमिक डिसेरिब्रेशन। अब पहले तो देख लेते फर्क क्या है। इंटरकॉलिकुलर का तो आपको मतलब समझ में आ ही गया होगा, इंटरकॉलिकुलर का मतलब क्या, इंटरकॉलिकुलर की अपन ने दो कॉलिकुलर के बीच में काट दिया, एक तो सुपर कॉलिकुलर है, वेस्टिबुलर निकले, इन दोनों के बीच में काटा था, जैसे कहते हैं इंटरकॉलिकुलर डिसेरिब्रेशन। और इस्टेमिक, इस्टेमिया मतलब आर्टरी को ब्लड सप्लाई नहीं करने देना, ठीक है ना। तो इसमें तो आपको मालूम है क्या करते अपन, ट्रांजेक्शन ऑफ ब्रेन स्टेम बिटवीन टू कॉलिकुलाई, कौन से दो कॉलिकुलाई, सुपीरियर एंड इंफीरियर, मतलब इंफीरियर कॉलिकुलाई भी इंटैक्ट रहता है, ठीक है ना। और इसी अपन कहते हैं कहा गया, शरिंगटन मॉडल, शरिंगटन मॉडल ऑफ डिसेरिब्रेशन। इसके अंदर क्या कर रहे हैं अपन, पता है क्या कर रहे हैं, टाइंग बोथ कैरोटिड एंड बेजिलर
आर्टरीज, ठीक है, एट द जंक्शन ऑफ पॉन्स एंड मेडुला। आया सर में, काफी आसान है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये हो गया एक पॉइंट, अब इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या कि अब क्योंकि इसमें काटा छाटी ज्यादा है तो ये फिटल है, ठीक है, ये रिलेटिवली सेफ है। आया समझ में, काफी आसान है, फिजियोलॉजी ही काफी आसान है। थर्ड अपन देखते हैं कि इसके अंदर रिजिडिटी डेवलप कैसे हो रही है, मैकेनिज्म ऑफ डेवलप ऑफ रिजिडिटी, ठीक है ना, इसके अंदर रिजिडिटी डेवलप कैसे हो रही है, किसकी वजह से हो रही है, रिलीज फिनोमिनन की वजह से। अभी मैंने आपको बताया था उसके बारे में, रिलीज फिनोमिनन ऑफ गामा मोटर न्यूरॉन, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, गामा रिजिडिटी भी कहते हैं, सो कॉल्ड गामा रिजिडिटी। और उसके अंदर कैसे आ रही है, एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ अल्फा मोटर न्यूरॉन फ्रॉम वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट। अब गाइज यार, ये अल्फा मोटर न्यूरॉन, गामा मोटर न्यूरॉन, ये मैंने बताया हुआ है कहाँ पे, एक स्पाइनल कॉर्ड वाली वीडियो में, गोल्जी टेंडन और मसल स्पिंडल के अंदर। नहीं, स्पाइनल कॉर्ड वाली वीडियो देखोगे तो भी कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। अब बार बार वो चीज़ मैं बताना होता नहीं है, इसलिए मेरी सारी वीडियोज को प्लीज देखा करें। इसका भी लिंक मैं तुमको दे दूंगा आई कार्ड में, ठीक है ना। और नहीं इच्छा हो ज़्यादा पढ़ने की तो याद कर लो, कर ही रहे आज तक, करते ही आए, सोचा था कुछ अपन बड़ा करेंगे इस बार, तो प्लीज़ वीडियो को जाके देखिए और कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर से क्लियर करें, ठीक है ना। जितना अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आगे जाके कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब क्योंकि यहाँ पे एक्सेसिव डिस्चार्ज होता है अल्फा मोटर न्यूरॉन का, इसलिए इसको कहते हैं अल्फा रिजिडिटी। अब ठीक है, ये वाला पॉइंट आ गया समझ में। अब अगला पॉइंट देखते हैं क्या कि जैसे अपन वो करते हैं डिफरेंशिएशन, तो इसमें तो मैंने आपको बताया रखा है, इसमें क्या होता है, हाइपर, जो हाइपरटोनिया है वो क्या हो जाता है, हट जाता है, रिमूव्ड, ठीक है ना। तो इससे क्या पता पड़ता है, जो हाइपरटोनिया था ना, इज रिफ्लेक्स, वो एक रिफ्लेक्स था ओरिजिन में, इज रिफ्लेक्स इन ओरिजिन। और इसके अंदर क्या हो रहा है, जो हाइपरटोनिया वो हटता ही नहीं है, है ना, इसलिए इसको क्या कहता है, हाइपरटोनिया इंड्यूस्ड डायरेक्टली, ठीक है गाइस। ये मैंने आपको शॉर्ट नोट्स दिए थे, बस इतना ही, इसी वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको शॉर्ट नोट ये बना के पढ़ा रहा हूँ, और अगर आपको मतलब अच्छे से नोट्स चाहिए एग्जाम यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपको मतलब अच्छे से कभी रिवाइज करना उसके लिए नोट्स चाहिए, तो गाइज मतलब एक ऑफर क्या था कि अगर आप लोग मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स करा दोगे तो मैं और मेहनत करके आप लोगों के लिए नोट्स बना दूंगा और उसको प्रोवाइड कर दूंगा कहीं ना कहीं, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे, जहां आप कहोगे, ठीक है। तो गाइस जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कराइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट पे जाके लिखिए अच्छा लगा। गाइस मोटिवेशन मिलता है, कुछ चीज समझ नहीं आई तो वो लिखिए, अच्छा नहीं लगा तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन लिखिए, अपना सजेशन दीजिए, क्योंकि मतलब अपकमिंग चैनल है ना, थोड़ा मेहनत तो लगी गई, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर जरूर करें, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो आपका मेरा अपन सबका फायदा है, नोट्स वोट्स मिल जाएंगे, एक अच्छा चैनल अपन को मिल जाएगा पढ़ने के लिए। तब तक के लिए मिलता है गाइस, बाय बाय।